because even I'm planning to make such kind of films, so that's why I've come to encourage that such kind of films is needed. Sometimes you don't need a 2 hours film to watch a story, so it's good to see something which is small and sweet and which tells you a lot. शॉर्ट फिल्म और एक कमर्शियल एंटरटेनमेंट में फ़र्क ये है कि आप शॉर्ट फिल्म आप घर पे देख सकते हो और स्पेशली डिजिटल टीवी डिजिटल मीडिया इसके लिए बनी है कि आप जब भी आपको फुर्सत मिले जब भी आपको टाइम मिले जैसे जैसे आपको समय मिले वही टाइम आप देख सकते हो और जब भी हम कुछ देखना चाहते हैं कि यू नो घर पे तो वो टाइम स्पैन बहुत कम होता है कि यू नो 20 मिनट्स है कि आधा घंटा है तो एक एक एपिसोड और एक एक शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं तो इसलिए आई फील देयर इज लॉट ऑफ आई मीन बोथ हैव देयर ओन पोटेंशियल इन देयर ओन वे माय नेक्स्ट फिल्म इज विद आनंद राय व्हिच वी आर डूइंग विद शाहरुख and working on lovely very good subjects and I'm also thinking of doing something in the short film so working on that and working on web series so whatever lot of things are coming up so I don't know what is my next now madam kabhi aap hum aapko dekh payenge acting karte as a lead actress thank you so much ki aapne mujhe samjha ki ye sab उनके लिए बनी है एक्ट्रेस के लिए मैं आई एम वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग थैंक यू थैंक यू रेडी हाँ हाँ रेडी यार तू बोल तो पूछ ही नहीं रहे तू मुझे बहुत अच्छी लगी यार इट्स अ वेरी इंटेंस फिल्म इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम ऑल ऑफ मिलाप्स वर्क आई थिंक इट इज इन द कांटे जोन ऑफ फिल्म तो इसने कांटे भी उसके भी डायलॉग लिखे थे बट सो आई रियली एंजॉयड इट इट्स गॉट इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेज ऑल्सो तो आप लोग भी देखिएगा जब YouTube पे आएगी नहीं ऑल थ्री आर वेरी गुड यार ऑल एवरी एक्टर इन द फिल्म इज वेरी गुड हैज डन जस्टिस टू देयर पार्ट्स सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू सी एंड ही इज टेकन इंटरेस्टिंग एक्टर्स इन हिज फिल्म सो इट्स एज इट इज बिकम्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म मैं बहुत मानता हूँ यार आई थिंक डिजिटल मीडिया इज द वे टू गो एंड स्पेशली फॉर बिकॉज यार इंडस्ट्री में ना इतने सारे आर्टिस्ट हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं चाहे वो एक्टर्स हैं अब एक लाइफ में तो सब एक फिल्म नहीं कर पाएंगे ना एक दूसरे के साथ तो बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस आई थिंक मोर पीपल कैन कोलैबोरेट एंड डिफरेंट माइंड्स कैन कोलैबोरेट एंड यू प्रॉब्ली वुड गेट टू सी समथिंग डिफरेंट देन नो आई हैव डन शॉर्ट फिल्म्स आई हैव डन अ बॉम्बे टॉकीज़ आई हैव डन अभी मैंने कोई देखरेखा करके एक वायरफ के लिए की थी सो आई कीप डूइंग स्टफ यार इफ इट्स समथिंग नाइस एंड इंटरेस्टिंग द मीडियम डजंट मैटर व्हाट मैटर्स इज योर कंटेंट एंड इफ योर कंटेंट इज गुड जस्ट गो फॉर इट मैन आई हैव आई एम शूटिंग फॉर अ फिल्म दैट्स कॉल्ड दैट्स नॉट कॉल्ड एनीथिंग टिल नाउ आई कांट टेल यू द नेम यू ऑलमोस्ट गॉट मी इनटू दैट बट इट्स अ फिल्म दैट मी एंड तापसी वर शूटिंग इन लंडन फॉर नाउ नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर अ स्केट So hopefully early next year is when we're looking at releasing the film. You're very crazy on Instagram and you post crazy photos and videos. So should I stop doing that? No, sorry. Are you like that in real life or is there something which you hide also? What? I don't hide anything, yaar. Matlab, I think Instagram is a great medium to just let your crazy side out. Sorry. So I think those are the videos you're talking about. And yeah, I've grown up with a particular group of friends, and I'm thankfully to God that my friends, what friends I had in school, college are still the same. So the stuff that we do every day is the same. So that is an extension you see on Instagram. Thank you so much, Dr. My pleasure. Take care. Sare channel dekho. Zoom, INS, LIA, Living India. Yes, hold. Photo le re. Chala bike kar. Bike. Aaj bike. Chalo. Aaj bolik. Ye kuch to gayi hai. Aap puchhe kya batai?
क्या बोलेगा देखने के लिए? हाँ, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव हर्ड मिलाप राइटिंग दिस फिल्म फॉर अ व्हाइल एंड वांटिंग टू डायरेक्ट इट, तो बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि मिलाप है एंड ऑल्सो शाद ऑफ कोर्स वी वर्क टुगेदर इन आशिकी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट दे हैव डन टुगेदर. Yeah, for sure. It's first of all, it's less work than a full movie, so that's good. And also, yeah, there are lots of interesting young directors that are making good short films, and there's obviously now with the internet and everything, there's a great platform for people to watch it. More and more people are watching short films, and yeah, never say never to anything. हाँ, एक अपकमिंग मूवी है, उसका नाम है ओके जानू, वो January 13th को रिलीज होने वाली है, दैट्स विद श्रद्धा कपूर, प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शंस, डायरेक्टेड बाय शाद अली एंड मी. किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो सर? अरे वो तो बहुत टाइम है, कुछ एक्चुअली रेगुलर एवरीडे गाय, नो कुछ सीरियस नहीं है एक्चुअली फिल्म में, सो आफ्टर व्हाइल आई एम डूइंग अ रिलैक्स्ड हैप्पी नॉर्मल कैरेक्टर, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. थैंक यू. मोहम्मद रफीक का मजाक उड़ाया गया, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए. There's nothing to say about it. I think we shouldn't take. आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मजाक उड़ाया गया फिल्म में, तो सीन को डिलीट करें? Actually मुझे वो सीन याद नहीं है. I don't know exactly what they said, but if they made fun of me in a movie, not to compare myself with Mohammed Rafi, I wouldn't take it too seriously. I think we should all have a sense of humor. It's fun, all said in fun. It's fine. Thank you, sir. Thank you. Please send us. Happy Diwali. Bye. Wait, wait. Please send. Sunny. Okay. Single. Main to panic shot nahi. Bye. Sunny, one second. Your left, Sunny. Perfect. बैठ जाओ यार, सब बैठ जाओ कैमरे में. Well, I'm very excited to support Milap and everybody in the film. I know it's a short film. I haven't seen anything yet except for the trailer, so I'm very excited. And here is the man of the hour is right here. And just here to really, really support Milap. Thank you, Sunny. Thank you, Dad. Thank you, brother. Yes. Unko picture bhi dekhne dijiye. Picture ke baad poochhe. Yeah. Unko. Ek short movie aur ek feature films ko aap kis nazariye se dekhte hain? Kitna alag hai? Short movies and feature films. Oh, short movies. I think that short films, it's a very good way to showcase a story that you have in mind. It's a great way to showcase your new talent or a new story or maybe experimentation. So I think short stories are great, and I get to go in, it's 20 minutes, not 3 hours, no interval, and hopefully have a good time. आप रात के क्यों तंग कर रहा है? आप पिक्चर देख दीजिए, आप बस आगे डन और एक मिनट ऑन है भाई. सर कैसी लगी मूवी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भी थी, सरप्राइज दूं मैं. सर इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं? बहुत नहीं, मिलाप का काम बहुत अच्छा है. इज प्रूव्ड इट, यू नो, बहुत अच्छा है. ही इज रिटन इट वेरी वेल, डायरेक्ट बहुत अच्छी डायरेक्ट की है, परफॉर्मेंस अच्छी है. आई मीन फॉर अ शॉर्ट फिल्म इट इज वेरी गुड, वेरी एंगेजिंग एंड शॉकिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम. वो अभी हम बात करेंगे अगली बार. ये सब ले लो बाइक से. Thank you.
अच्छा लगा. आई सेड मुझे बहुत अच्छा लगा एंड I'm very happy, very proud of Milap and everybody artists of Veer and Shad, and they did so well. I was feeling sorry for Shad for one second, and jab usne pura change over kiya, it was quite interesting. Great dialogue, good job. I'm so proud of them. मैंने वो आंसर किया आप मे बी बाथरूम में थे. आई थिंक शॉर्ट फिल्म्स आर अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड गेट योर पॉइंट अक्रॉस एंड यू नो रियली शोकेस योर टैलेंट. थैंक यू. जानना चाहेंगे कितना अप्रिशिएशन मिल रहा है ऑडियंस से और अपने फैंस से. आप मुझे निकले हुए 30 सेकंड हुए हैं. एंड आल्सो मतलब कितना लोगों ने आपको अभी देखा, हमने सबने आपको अच्छा कहा आपके किरदार को. देखिए स्क्रीनिंग पे तो सब अच्छा ही बोलते हैं. या राइट ह्यूमन टू से बात. ये बॉलीवुड का रिवाज है. ओके. हां तो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि कैसा लग रहा है लोगों. आई लाइक द फिल्म. मैंने पहली बार देखी, मुझे अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि मिलाप ने पहली दफ़े कुछ अपना एक सेक्स कॉमेडी और कॉमेडी के जोन से निकल के उन्होंने वापस थ्रिलर वगैरह में काम शुरू किया है. हालांकि उन्होंने पहले कांटे दीज फिल्म्स ही हैड वर्क्ड ऑन, पर ये उनकी खुद की डायरेक्टेड फिल्म है. सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट. टेल अस समथिंग अबाउट अ कैरेक्टर इन दिस शॉर्ट. इट्स अ गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर. सो सबने आपके आपको सुनाई पड़ रहा है. सबने आपके बुक में सिंड्रा के सिंड्रेला के किरदार को बहुत सराहा है. बहुत तो अभी सुनने में आ रहा है कि आप बुक में नहीं रहेंगी कुछ ऐसा. अच्छा. हाँ ऐसा. आप ये कहाँ पढ़ते हैं ऐसा न्यूज़? मैं तो फुकरे की रीडिंग से आ रही हूँ और दो हफ्ते में शूट है. जिस किसी को शक है आके हमारे सेट पे हमसे मिल ले, हमारी टीम से मिल ले. कहाँ तक पहुँची और शूट बता रही हूँ दो हफ्ते में. कान खराब है क्या आपके? नहीं नहीं सुन रहा हूँ. कमाल है. आ जाइए सेट पे, आ जाइए, खाना भी खिला देंगे, देख लीजिएगा शूट कैसे चल रही है. शूटिंग क्या हो रही है? जब होगी आपको इत्तला कर देंगे, ट्विटर पे डाल दूंगी, जिसको आना आ जाना. ठीक है मैडम. शॉर्ट फिल्म्स एंड शॉर्ट फिल्म बिकमिंग. एक सेकंड, लेट्स अप प्लीज पास, प्लीज पास. आई थिंक पीपल आर कंज्यूमिंग कॉन्टेंट वेरी डिफरेंटली. सम पीपल आर वॉचिंग मूवीज ऑन देयर फोन, सम पीपल आर वॉचिंग देम ऑन लैपटॉप्स. So I think short films, a lot of big directors have been making short films of late. I saw Neeraj Pandey, Shirish Pandey, of course Anurag, and all these people have continuously made short films. And you know, हैं? कुछ और सवाल चल रहा है. और कुछ पूछना है? Foreign policy के बारे में पूछ. हाँ जी. And the short films which are there. The short films which are there are, see, like this film is now attracting so much attention. So people will wonder why they are not making content that is smaller. Small films, short films are easier to make than a full-length feature. I think that's why people are experimenting. As an actor, how do you see both short films and feature? A short film takes a day or two, 3 days of your life, so it's definitely easier to do. Feature films are a big commitment. मोहम्मद रफ़ी के ऊपर एक डायलॉग है जहाँ तक मुझे पता है, ए दिल है मुश्किल में. पिक्चर मैंने नहीं देखी तो कमेंट से परहेज करूँगी. लेकिन क्या, पिक्चर देखूँगी फिर कमेंट करूँगी. अपनी भी पिक्चर देख के कमेंट किया है. कमाल है यार. हाँ जी. काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सब नेक्स्ट ईयर आपको पता चलेगा. अभी जो फिल्में की हैं वो रिलीज हो जाए. सर 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 Thank you so much. Yeah. Done? Thank you.